हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज जो हम बात लेके आए हैं वो है हमारे लैपिंग जोन कैसे ले जाएं और कौन सी जगह पे लेना चाहिए। दोस्तों कि जैसे हम हर साइड पे अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से हमको जोन मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों हमको एक टिपिकली सेक्शन दिया जाता है कि हमारे पास में जो रेनफोर्समेंट जो कॉलम वर्टिकल का है उसका लिंक्स और कैसा वर्टिकल लैप जोन कैसा होना चाहिए उसके लिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक हम ड्रॉ करके लेके आए हैं, तो हम क्या कर लेते हैं इसको जो हमारे पास में दिया हुआ है कि ड्राइंग कैसे इसको समझना है, हमको समझने के लिए क्या करना है। यहाँ पर उसने दिया हुआ है, सबसे पहले वो देखेंगे क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी यहाँ पर एक बीम दिखाया है, यहाँ पर एक फ्लोर बीम का दिखाया है बीम, और ऊपर का एक फ्लोर लेवल का बीम दिया है। ये भी हमको इतना ही समझना है। जैसे कि हमारे पास में अभी क्या देख लेना है, एक फ्लोर टू फ्लोर देख लेना है। तो हमको समझने के लिए एक ही काफ़ी है। जैसे कि यहाँ पर एक फुटिंग मान लो यहाँ पर रहता, तो यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए फुटिंग भी हो सकता था। तो ऐसे भी कर सकते थे या ऐसे भी कर सकते। एक तो क्या होता है, जोन लेते हैं उस समय हमको क्या देखना ज़रूरी है, एक फुटिंग टॉप होना ज़रूरी है और एक स्लैब टॉप होना ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पर हम जो दिखा रहे हैं वो है हम फ्लोर टू फ्लोर की ड्राइंग लेके आए हुए हैं। तो दोस्तों अभी क्या करना है, हमको एग्जांपल के लिए ये फ्लोर टू फ्लोर ही ले लिया, तो हम एक मार्किंग कर लेते हैं। जैसे कि ये फ्लोर टू ये फ्लोर हमारी हाइट्स मालूम होना चाहिए। जैसे कि अब इसकी हाइट मान लेते हैं हम कितने पकड़ लेते हैं, एग्जांपल हम लोग 3600 mm पकड़ लेते हैं, 3 मीटर 600। ये हमारे ये फ्लोर टॉप टू ये फ्लोर टॉप है, इसके जो अंदर जो हाइट है तो ये हमारी हाइट है 3600। तो ये हमारे पास में हाइट मालूम होना ज़रूरी है। उसके बाद में हमको क्या करना है, दूसरी बात क्या होना चाहिए, ये बीम जो टेप है मतलब वो जो कॉलम हम उसको वर्टिकल निकालने जाने वाले हैं, तो उसकी जो बीम टेप जो होनी चाहिए उसके ऊपर में जो बीम आता है या स्लैब आता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक स्लैब भी आ सकता है, मान लो बीम नहीं आएंगे और सिर्फ स्लैब ही रहेगा, तो उसको वो डेप माइनस कर मालूम होना चाहिए डेप। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक स्लैब यहाँ पर दिया हुआ है बीम डेप, तो बीम डेप्थ कितना है हम एग्जांपल के लिए 600 mm पकड़ लेते हैं, इसका बीम डेप्थ जो है 600 mm। तो दोस्तों अभी क्या करना है, ये जो हमारे पास में अभी इसका मतलब क्या हुआ है, हमको यहाँ पर दिया हुआ है मिड हाइट। मिड हाइट में हमको दिया हुआ है कि एक लाइन सीधा एक मार्किंग कर दिया है उसने, और सीधा यहाँ पर यहाँ से दिखा गया कि हमको यहाँ से मिड हाइट है, इसके ऊपर में एक LD लैपिंग दिखाया, उसके नीचे एक LD लैपिंग दिखाया गया है, और यहाँ पर दिया हुआ है स्टैगर्ड लैपिंग। और कोई भी जगह पे आप लैपिंग करते हो, कॉलम कॉलम का हो या स्लैब का हो या बीम का हो, तो हमारे पास में जो भी स्ट्रक्चर हो वॉल का, तो हर जगह पे हमको स्टैगर्ड लैपिंग ही करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया भी गया है, या शायद गलती से मान लो सीधा सीधा दिया है, तो भी हमको एक्सेप्ट नहीं करना है। हमारा जो वर्टिकल है उस कंटिन्यू जब कॉलम जाता है तो उसको हमको वर्टिकल स्टैगर्ड लैपिंग ही करना होता है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हमने यहाँ स्टैगर किया हुआ देखा है लिखा है, तो हमको क्या करना था, अभी इसको मिड जो हमारा जो बार है उसका कहाँ तक जाना है, उसकी कहाँ तक लेके जाना चाहिए वो लेते हैं। तो अभी क्या करना है, यहाँ से हमको 3600 में माइनस बीम टेप करेंगे, यहाँ पर लैप जोन बन मालूम होना चाहिए ना हमको। तो लैप जोन होने के लिए क्या करना होगा, हमको 3 मीटर 600 है इसमें से माइनस बीम 600 का बीम है उसको डेप माइनस करना है। तो हमारे को कितना होना चाहिए यहाँ पर, ये बीम बॉटम, यहाँ पर बीम बॉटम लेना है, ये बीम बॉटम से लेकर इस लैपटॉप जो स्लैपटॉप है ये हमको मालूम होना चाहिए। तो उसके इधर हमारा 3600 माइनस 600 का बीम है तो हमारा बच गया 3 मीटर, तो हमारा है 3 मीटर है। तो अभी क्या करना है, एक बार हमको कहाँ तक लेके जाना है, स्लैब लेवल से ऊपर 1500 mm, इसका डिवाइड बाय 2 कर देने का है। ये जो आंसर आया बीम बॉटम से स्लैब टॉप का जो हाइट बच गया है उसमें डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ से बचेंगे हमारा 1500 mm। तो एक बार हमको 1500 mm लेके जाना है, और दूसरा जो बार रहेगा मतलब स्टैगर्ड करने के लिए वो हमारा LD यहाँ से ऊपर जाएगा एक्स्ट्रा, 1500 प्लस LD, इतना एक बड़ा वाला बार लेना पड़ेगा और ये स्मॉल वाला बार रहेगा। और मान लो ऐसी जगह पे मान लो अभी हम लैपिंग जो करते हैं वो तो हमारा लैपिंग कैसे रहता है, अभी 12 mm का लैपिंग करते हैं, 16 mm का लैपिंग करते हैं, तो
और 20 mm का आ गया। अभी ज़्यादातर ज़्यादा कपलर यूज़ करना चालू है, तो बहुत सारी साइट पे तो कपलर यूज़ करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमको एक स्टैगर्ड के लिए एक फार्मूला भी है, जो फार्मूला है 25D। मतलब जो भी डाया रहेगा, जैसे कि मान लो 25 गुना डाया, डाया हम लोग यहाँ 25 का लेते हैं, तो हमारा बराबर आंसर जो आएगा वो 600 स्टैगर्ड है। मतलब हमारे जो स्टैगर्ड लेंथ है वो 600 होनी चाहिए, 600 mm। तो हमको यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, जैसे कि हमको क्या करना होगा इसके लिए, ये 3 मीटर है, 3 मीटर में हमको ये बीम जैसे कि हमको दिया हुआ है, बीम बॉटम से स्लैब टॉप, इसमें डिवाइड बाय 3 करना होगा हमको। मतलब जैसे कि 3 मीटर डिवाइड बाय 3, तो जो आंसर आएगा हमारा वो 1 1 मीटर आएगा। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर निकाल देते हैं, तो 1 मीटर और इधर से 1 मीटर, मतलब ये 1 मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया और 1 मीटर हो गया। तो इसके अंदर में हमको लैपिंग जोन आना नहीं चाहिए, लैप नहीं आना चाहिए इसके अंदर में, हम इसको काट लेना चाहिए। अभी बच गया 1 मीटर, तो 1 मीटर के अंदर में हमको, जैसे कि हमने 25 का बार लिया होता स्टैगर्ड करने के लिए, तो हमको कैसा होना चाहिए, जैसे 600 स्टैगर्ड होना चाहिए। अभी ये जोन में हमको कपलर नहीं आना चाहिए, ए जोन में कपलर नहीं आना चाहिए, इसके अंदर में आप स्टैगर्ड किधर में भी रख सकते हो। जैसे कि एक यहाँ से इसके अंदर में रखा हुआ है एक बार, मान लो यहाँ से कपलर लगा के दूसरा बार जाएगा, और सेम यहाँ से ये कपलर टू ये दूसरा कपलर जो आएगा, मतलब ये जो दूसरा कपलर डालेंगे वो 600 अंत स्टैगर्ड होना चाहिए। कितना, 600। जैसे कि एक फॉर्मूला 25D, जो हमारा 25D है, वो ये कपलर टू ये कपलर 25D के हिसाब से होना चाहिए, और ये ऐसा स्टैगर्ड होएगा। और ये जो हमारा वर्किंग करते हैं वो जो ISO कोड है वो 13920 2000, एक चेक कर लेते, 2016 है, 13920 2016, इसके हिसाब से हमारा ये जो है ये लैब जोन है। थैंक यू सो मच दोस्तों।